लॉकडाउन के 10 दिन पूरे होने के बाद राहत की खबर मिली है। दिल्ली के 24,000 क्वारंटीन लोग अब कोरोना के खतरे से बाहर आ चुके हैं। ये लोग 14 दिन से क्वारंटीन थे। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24,873 लोग क्वारंटीन का फेज पूरा कर चुके हैं। इनमें से किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। क्वारंटीन के पहले और आखिरी दिनों में 2 से 3 बार इनकी जाँच और स्क्रीनिंग कराई जा चुकी है। इसमें 20,677 लोग विदेश यात्रा से हाल ही में लौटे थे, जबकि 4,196 लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद घरों में क्वारंटीन किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर नूतन मुंडेजा का कहना है कि जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि वे क्वारंटीन का फेज पूरा कर चुके हैं, वो काफी उत्साहित है। ये लोग दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीमों की काफी सराहना कर रहे हैं। तबलीगी जमातियों को छोड़ दें तो दिल्ली को अब तक काफी बड़ी सफलता मिल चुकी है। हालांकि अभी भी 20,331 लोग क्वारंटीन हैं। इनमें से 3,531 फिलहाल दिल्ली सरकार के क्वारंटीन केंद्रों में हैं, जबकि 18,598 लोग संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने के बाद क्वारंटीन में गए हैं। इनमें अधिकांश लोगों को क्वारंटीन फेज अगले सप्ताह तक खत्म हो जाएगा। हालांकि एक स्थिति ये भी है कि जैसे जैसे संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वैसे वैसे क्वारंटीन किए जाने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं, जबकि उसी क्रम में लोगों का क्वारंटीन फेज भी पूरा हो रहा है। हाल ही में कोरोना से प्रभावित देशों से यात्रा करके वापस लौटे दिल्ली के 22,000 लोगों का क्वारंटीन फेज लगभग पूरा हो चुका है। अभी फिलहाल 1,733 लोग ही क्वारंटीन के फेज में हैं। सोमवार से मंगलवार तक इन लोगों का भी क्वारंटीन पूरा हो जाएगा। राहत की खबर यह है कि विदेशों से लौटे इन 22,410 में से अब तक 20,677 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण नहीं मिले हैं। अब ये लोग क्वारंटीन फेज से आजाद हैं। इनके घरों से भी बोर्ड हटाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ये लोग अभी भी घरों में ही रहेंगे। इनसे सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। कोमल के साथ दीपक कुमार की रिपोर्ट, punjabkesari.com। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।